हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गाइड जसपाल जसपाल रावत। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे बताने वाला हूं जिसको लेकर कि बहुत सारे इंग्लिश जानने वाले लोग भी कंफ्यूज रहते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है वो। English has become, in fact, the truly global language. English दरअसल एक global language बन चुकी है। New words are being added to the English lexicon at the rate of 14.7 words a day. 14 से 15 words daily के English dictionary में नए सम्मिलित किए जाते हैं। This probably means that the new words added to English lexicon are not English. इसका मतलब है कि जो नए words add किए जाते हैं वो English के ना होकर अन्य किसी भाषा के हैं। In the year 2009, Oxford Dictionary completed a vocabulary of 1 million words. सन 2009 में ऑक्सफर्ड डिक्शनरी का शब्दकोश 1 मिलियन यानी कि 10 लाख शब्दों का हो चुका था। मेनी वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड वेयर क्यूइंग टू टेक प्राइड ऑफ बिकमिंग द मिलियंथ वर्ड। दुनिया के अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्द इस कतार में खड़े थे कि उनको 1 मिलियंथ वर्ड होने का गौरव प्राप्त होगा। Some of the Indian words like Jai Ho, Slumdog were in the queue of becoming the millionth word. इनमें भारत के भी कुछ शब्द थे जैसे कि Jai Ho और Slumdog जो इस कतार में खड़े थे। लेकिन इस गौरव को प्राप्त करने वाला वर्ड था Web 2.0. was declared as the 1 millionth word entering the English lexicon. इस वर्ड को 1 millionth वर्ड होने का गौरव प्राप्त हुआ। There is a big question in the minds of many people. बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल है। Why are the Hindi words added in English dictionary? हिंदी के वर्ड्स इंग्लिश डिक्शनरी में क्यों ऐड किए जाते हैं? This is because there are many languages spoken in India. भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है and these Indian languages have a high specific vocabulary with no direct equivalent in English. और इनकी अपनी स्पेसिफिक वोकेबुलरी होती है, इनके अपने स्पेसिफिक शब्द होते हैं जिनका कि इंग्लिश में कोई डायरेक्ट अनुवाद नहीं है। सो द वर्ड इज टेकन एज इट इज एंड एडेड टू इंग्लिश डिक्शनरी। इसलिए उस वर्ड को जो का तो इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड किया जाता है सो दैट इट शुड नॉट लूज इट्स एसेंस, ताकि वो अपनी शुद्धता नहीं खोना चाहिए। This is the same for other languages spoken around the world. ये अन्य भाषाएं जो दुनिया में बोली जाती है उनके लिए भी यही रूल लागू होता है। From endearing words like Abba and Anna to Indian delicacies like Gulab Jamun and Vada can now be found in Oxford Dictionary. जो रेस्पेक्टेड वर्ड है हमारे, जो दिल को छूने वाले वर्ड हैं अब्बा और अन्ना, इनसे लेकर जो हमारी स्वादिष्ट चीजें हैं गुलाब जामुन और वड़ा, ये भी इंग्लिश डिक्शनरी में अब पाए जाने लगे हैं। एज पर द लेटेस्ट लिस्ट ऑफ इंक्लूजन 17 न्यू इंडियन वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस हैव बीन एडेड टू द डिक्शनरी। इसी वर्ष
70 नए वर्ड अलग अलग भाषाओं के, भारतीय भाषाओं के इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड कर दिए गए हैं। सेवरल मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड्स इन इंडिया लाइक जुगाड़, सूर्य नमस्कार, दादागिरी, अच्छा, बापू आर नाउ इंट्रोड्यूस इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। बहुत सारे कॉमन वर्ड्स जैसे कि जुगाड़, सूर्य नमस्कार, दादागिरी, अच्छा और बापू जैसे वर्ड अब इंग्लिश डिक्शनरी में पाए जाते हैं। सम ऑफ द हिंदी एंड उर्दू वर्ड्स विच हैड नो इक्विवेलेंट इन इंग्लिश वेर एडेड टू इंग्लिश लेक्सिकॉन अर्लियर। कुछ हिंदी और उर्दू वर्ड जिनका कोई समांतर नहीं है इंग्लिश में, वो पहले जो ऐड किए गए हैं, जैसे कि अवतार, बंगलो, चीता, चिट, कमरबंद, डेकोइट, लूट, ठग, रोटी, योगा। इन 2016 में वर्ड्स लाइक दीदी, घी, मसाला, पक्का, पूरी, यार, ढाबा, चूड़ीदार, भेलपूरी, बदमाश, अयो वेर इंक्लूडेड इन इंग्लिश डिक्शनरी, इन्हें इंग्लिश डिक्शनरी में सम्मिलित किया गया था। दिस ईयर मैनी ऑफ द वर्ड्स डिस्क्राइब फूड एंड रिलेशनशिप। इस साल बहुत सारे वर्ड्स जिनमें खाने पीने से लेके सगे संबंधी तक है, सच एस अन्ना जो बड़े भाई को बोला जाता है, अब्बा पिताजी को बोला जाता है, गुलाब जामुन, मिर्च मसाला, कीमा, फंडा, चमचा, ऑफन यूज टर्म लाइक अक्सर बोले जाने वाला वर्ड जैसे टाइम पास, नाटक और चुप ऑल्सो हैव देयर मीनिंग इन द डिक्शनरी नाउ। ये भी अब इंग्लिश डिक्शनरी में सम्मिलित किए जा चुके हैं। द सेप्टेम्बर 2017 अपडेट एड्स टू द 900 आइटम्स ऑलरेडी कवर्ड बाय द डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाइज एट डिस्टिंक्टिव टू इंडियन इंग्लिश। सेप्टेम्बर 2017 में जो वर्ड ऐड किए गए हैं वो ऑलरेडी जो पहले से ही 900 आइटम थे उनके साथ जोड़कर इंग्लिश डिक्शनरी में एक विशिष्ट स्थान पा चुके हैं। सो फ्रेंड्स, वेन एवर यू सी सम हिंदी वर्ड्स, तो दोस्तों जब भी तुम्हें कोई हिंदी वर्ड्स जैसे कि पूजा, पंडित, प्रसाद इन इंग्लिश राइटिंग्स, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। जब तुम्हें ये दिखाई दे तो कन्फ्यूज नहीं होना। दीस आर द वर्ड्स एक्सेप्टेड इन इंग्लिश, ये वर्ड्स इंग्लिश में स्वीकारे जा चुके हैं। बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट द वर्ड्स लाइक जुगाड़, चमचा, नाटक एंड बदमाश आर कॉल्ड द सेम इन इंग्लिश। अब तक आप समझ चुके होंगे कि जुगाड़, चमचा, नाटक और बदमाश को इंग्लिश में भी इसी नाम से जाना जाता है, जुगाड़, चमचा, नाटक और बदमाश। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरा आने वाला कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए इसके लिए इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों इसी तरह मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए और अपने अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ाते रहिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।